निफ्टी इज बुलिश और बेरिश। कल के लिए हमारे निफ्टी में क्या प्लानिंग रहेगी और किस लेवल पे हम निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इन सभी बातों को मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में रेगुलर कॉन्टेंट्स, ऐसे पावरफुल कॉन्टेंट आते हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ईजी और बहुत प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिए। तो आज हमने देखा इन निफ्टी देयर वाज अ ह्यूज गैप अप, एक अच्छा गैप अप हमें देखने को मिला, बट उसके बाद वो गैप अप को, वो लीड को निफ्टी सरवाइव नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। एंड वी कैन से दैट एकदम फ्लैट क्लोज आया है, मतलब कि कल का क्लोज जहां पे था बस उससे सिर्फ एक पॉइंट ऊपर, मतलब वी कैन से दैट इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट। सो 21,930 के आसपास जो निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज दिया है। आज का निफ्टी ने जो हाई बनाया इट इज 22,053। तो यहाँ पे दो तीन बातें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बन रही है। नंबर वन, एक 22,000 के बिग राउंड नंबर के ऊपर आज गैप अप ओपन तो हुआ बट वो सरवाइव नहीं कर पाया, और जहां पे क्लोज दिया है वो लेवल है 22,930 का। दूसरी बात, कल होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। सो कल एक्सपायरी के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, कल हमारे लिए एक्सपायरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, निफ्टी फ्लैट ओपन हो। और देखिए मैं आपको आगे स्ट्रैटेजी बताऊं उसके पहले, कल हम दोनों तरीके ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश भी और बेरिश भी। क्योंकि कल एक इनसाइड कैंडल बनी थी जो मैंने बताया था कि जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। आज गैप अप हुआ मगर उसके बाद वो गैप अप, वो लीड सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी। सो अगर आप मुझसे पूछे एज ऑफ नाउ अमित व्हाट इज योर व्यू, आई वुड से माय व्यू इज साइडवेज टू न्यूट्रल। ओके, साइडवेज टू न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि देर इज नो डायरेक्शन, देर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट निफ्टी इज गिविंग राइट नाउ। तो कल आप दोनों तरीके से ट्रेड ले सकते हो, बुलिश बेरिश दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हो। आज हमने देखा कि इंडिया विक्स भी फॉल हुआ है, सो देयर विल बी फॉल अप। अगर कल वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू टू फॉल, एक आपको ऑप्शन सेलिंग में या तो हेजिंग में अच्छा ट्रेड मिल सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत सिंपल है, आज के क्लोज के आसपास ही कहीं पे ओपन हो, थोड़े देर कंसोलिडेट करें। अगर 25-30 मिनट्स कंसोलिडेट करता है और फिर जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा, वेदर बुलिश और वेदर बेरिश, हम वहां पे उस ट्रेड को ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड सपोर्ट करे तो जरूर आप दोनों तरफ ट्रेड लीजिएगा, देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, और चलिए आर्ली चार्ट में आ जाते हैं और लेवल्स की प्लानिंग करते हैं। सो अगर कल 29,21,930 के आसपास ओपन हो गए, थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो पहला जो हमारा प्लानिंग रहेगा, पहला हमारा लेवल रहेगा वो होगा 22,000 का बिग राउंड नंबर। हालांकि यहाँ पे एक कॉलम, एक एक कैंडल मुझे दिख रही है जिसका हाई है देख दिया, तो जिसका स्विंग हाई बन रहा है 21,983, बट उसके बाद 22,000 का बिग राउंड नंबर आएगा। सो आई वुड प्रेफर टू लुक एट 22,000 का बिग राउंड नंबर, उसके बाद आज का हाई 22,053 एंड देन 22,053 के बाद आई वुड लव टू सी द लाइफ टाइम हाई विच इज 22,125 विच विल डेफिनेटली एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो पहली कंडीशन है कि फ्लैट ओपन हो, थोड़ा रेंज बनाए। अगर गैप अप ओपन हो गया आई विल वेट फॉर द रेंज टू फिल, अगर गैप डाउन ओपन हो गया आई विल वेट फॉर द रेंज। इन शॉर्ट, हाँ, अगर गैप अप ओपन होता है 22,000 के आसपास 60-70 पॉइंट्स, और फिर वहां पे अगर कोई बैरिश हैमर कैंडल गिरेगी या तो बैरिश मारू बोजू कैंडल बनेगी, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। अदरवाइज गैप अप के बाद अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना है देन आई विल वेट फॉर द रेंज। फिर अगर नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 21,860। अगर 860 ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो नेक्स्ट टारगेट हम प्लान करेंगे 21,810 के आसपास। देन अगर 8110 भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है विच इज गोना बी 748, और 748 के बाद अगला लेवल मैं 665 को देखना पसंद करूंगा। तो ये मेरी नीचे के लिए प्लानिंग है, एक्सपायरी ट्रेड मैं इस लेवल के आसपास करूंगा, और ये मेरी एक्सपायरी की प्लानिंग रहेगी।
अगर सेकेंड हाफ में कोई बड़ा मूव चाहिए तो फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन रहना चाहिए। अगर फर्स्ट हाफ में कोई गैप अप या तो कंटिन्यूस ऊपर चला गया तो सेकेंड हाफ में आपको बटरफ्लाई या तो शॉर्ट बटरफ्लाई या शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी अपना के थोड़ा प्रीमियम गेन करना होगा। दैट इज गोना बी द प्लानिंग फॉर टुमारो। आई होप यू गॉट द वैल्यू एंड अगेन आई एम टेलिंग यू आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल। मैं आज पूरे 12 घंटे के एक लर्निंग इवेंट में था क्योंकि मैं अपने आप को अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। बहुत सारी लर्निंग थी और वो 12 घंटे की लर्निंग के बाद मैं रात को 11 बजे एग्जैक्टली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज एग्जैक्टली 11 PM एट नाइट, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कमिटमेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्टेंट अच्छा लगा हो, हमारी चैनल के कॉन्टेंट अच्छे लग रहे हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट छोड़ के जाइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।